नमस्कार साथियों, मैं आचार्य में दसवान आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, श्रावण और भादों के इस महीने के अंतर्गत अनेक पर्व आते हैं। इन पर्वों के मध्य में भगवान कृष्ण का जन्म और अनेक उत्सव एक किस्म से शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जब प्रकृति अपने उन्माद में आती है, अपने जीवन के साथ में जुड़ती है, तो एक नई खुशबू पूरे संसार में फैलाती है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सुंदर सा यह प्रचार प्रसार किया है कि एक वृक्ष माँ के नाम पे जरूर लगाइए। हम भी शास्त्रों में कहते हैं सबसे बड़ा दान वनस्पति को संदेह करना है। वनस्पति को आप अपने जीवन के साथ में जोड़ते हुए चलोगे तो आप भी प्रकृति का आनंद लेते रहोगे और सुखदायक रहोगे। जीवन के अंदर हो न हो, जब कभी समय मिलता हो, एक वृक्ष, दो वृक्ष, तीन वृक्ष, जितना हो सकता है, पीपल का लगाइए, नीम का लगाइए, बड़ का लगाइए, आम का लगाइए, अमरूद का लगाइए, जो भी वनस्पति आपके साथ मौजूद है जरूर लगाइए। क्योंकि पृथ्वी माता अनंत रूप से अनेक फल की प्राप्ति करवाती है। आप एक बीज पृथ्वी पे गिरते हो, पृथ्वी अनेक बीजों के साथ में उन्मादित होकर के और प्रफुल्लित होकर के आपको प्रदान करती है। वनस्पति बची रहेगी तो समझ लीजिए हमारा जीवन बचा रहेगा। इसलिए इन संरचनाओं का जो प्रकृति ने मुफ्त में दी, जैसे वायु है, जल है, इनका संरक्षण करना चाहिए। इनको कभी भी व्यर्थ न कीजिए। यही जीवन का एक लक्ष्य बना करके जब आप चलोगे तो ये समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर भी हरियाली ही हरियाली छाएगी। इन्हीं पर्वों के अंतर्गत हरियाली तीज आई है, मधुसरवा तीज जिसे कहते हैं, और देवियां जो है इसको बड़े उत्साह के साथ में मनाती हैं। भाई बहन का प्रेम, रक्षाबंधन इन्हीं दौरान चला, ये भी एक आनंदित पर्व है। कथा आती है कि अनेक प्रकार की सफलताओं के साथ में जब जीवन जुड़ा हो तो समझ लीजिए आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। साथियों, हमारा जो ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, इस भारत देश में अनेक पर्व तीज त्योहार आते हैं, सभी आनंदित हैं, खुशियों के उन्माद के। इन खुशियों के साथ में चार चांद जब और लग जाते हैं, जब हम प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा शहरों से हम कोई शिमला जा रहा है, कोई डलहौजी जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई अल्मोड़ा जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक आनंद की प्रतिभूति है, एक संवेदना है। हम लोग उसको अपने नजदीक भी बना सकते हैं। कैसे? कि प्रकृति के साथ जुड़ कर जहाँ कहीं आपको थोड़ा बहुत स्थान मिलता है, अपने शहर में, अपने गांव में, वन उपवन को संरक्षित कीजिए तो लाभ मिलेगा। आगे की जो हमारी संतान है उसको भी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आइए इन्हीं प्रमुखों के साथ में हम चलें। साप्ताहिक फलादेश के अंतर्गत 16 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक, 16 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य में जो जो पर्व आ रहे हैं, जो जो तिथियां आ रही हैं, उनके विषय में मैं आपको पहले बताता हूं। 16 सितंबर को आश्विनी संक्रांति है। 16 भाद्रपद मास पूरा होकर के असूज अब शुरू हो जाएगा। आश्विन इसी में हम श्राद्ध पक्ष आ जाता है, श्रद्धेय जो है पक्ष है, तो ये जो है आश्विनी संक्रांति है 16 सितंबर को। 17 सितंबर को चतुर्दशी है, यानी 16 तारीख को संक्रांत भी है और साथ ही साथ त्रयोदशी भी है। 17 को जो है चौदस है, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, बाबा सोलल का मेला लगता है, और 18 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, भादवे की पूर्णिमा। जो लोग स्नान ध्यान पितरों का ध्यान करते हैं,
यहीं से पितृपक्ष शुरू हो जाए, यानी पूर्णिमा का श्राद्ध जिन्होंने करना है वो जो है 18 सितंबर को कर सकते हैं पूर्णमासी का श्राद्ध। उसके बाद 19 को जो है ये प्रतिपदा है आश्विनी कृष्ण पक्ष, इसका क्षय हो रखा है इसलिए कई 19 तारीख को मनाएंगे। 19 तारीख को ही द्वितीया है, यानी पहला नवरात्रा और पहला श्राद्ध और दूसरा श्राद्ध एक साथ में। 20 तारीख को तीसरा श्राद्ध है, 21 तारीख को जो है चौथा श्राद्ध है, गणेश चतुर्थी व्रत भी है उस दिन, और 22 तारीख को जो है छठा श्राद्ध है, इस दिन पंचमी का श्राद्ध है, और 22 तारीख को। उसके बाद श्राद्ध पक्ष ही शुरू हो गया। श्राद्ध पक्ष जो है ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे, अर्थात 18 सितंबर से शुरू होकर के और 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेंगे। उसके विषय में मैं एक श्राद्धों के विषय में एक पूरा संपूर्ण मैं वीडियो आपको दूंगा, आप जरूर देखिए, कुछ ही दिनों में वो आपके समक्ष आ जाएगा। आप देखिए श्राद्ध किस किस को करना चाहिए, श्राद्ध कौन कौन से दिन कैसे करना चाहिए, किस तिथि को लिया जाना चाहिए, कौन सी तिथि श्राद्ध के लिए उत्तम है, और श्राद्धों में यदि कोई शुभ कार्य करना हो तो कौन सी तिथियों में किया जा सकता है, इसके विषय में पूरा विवरण मैं आपको अपने नए वीडियो में दूंगा, तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को, और जो भी समीक्षाएं होती हैं उन समीक्षाओं को जरूर बताइए। जैसे मेरी बहन ने मुझे बताया कि आचार्य जी आप फलादेश तो कर देते लेकिन थोड़ा उनके साथ में तिथियों का विवरण भी बता दिया, यानी जो सप्ताह का फलादेश हम देते हैं सप्ताह के साथ में क्या क्या तिथियां आती है, कोई पर्व का दिन आता है उसके विषय में विशेषतः आप बताइए तो बड़ा लाभ रहेगा, क्योंकि हम आपके द्वारा दिए हुए इस फलादेश को देखते हैं और हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, काफ़ी लाभ मिलता है। मैंने अपने राशियों के अनुसार उनको देखा तो उसमें जो है जैसे जैसे आपने बताया छोटे छोटे उपायों के द्वारा मुझे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, और मैं उन बहन का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे इस वीडियो को देख करके सफलता प्राप्त की, और शुभकामनाएँ करता हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग भी उसमें जो है अधिक से अधिक लाभ। तो आइए 16 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के फलादेश में हम चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ में, मेष राशि वालों के साथ में यह सप्ताह बड़ा लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे, और यदि व्यवसाय में हैं तो धन की अपूर्व लाभ प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं नौकरी इत्यादि करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, कष्ट हो सकता है, शरीर का ध्यान रखें, कोई आदि व्याधि हो सकती है, किसी के साथ में झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम कीजिए क्योंकि आपकी बात से किसी का मन आहत हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है, भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, भगवान शंकर जी भोलेनाथ जी आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण। मिथुन राशि में चलते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, नया वाहन इत्यादि खरीदने के यदि विचार बना रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, संपदा परिपूर्ण रहेगी, कारोबार में तरक्की रहेगी, यदि व्यवसाय करते हो तो अधिक लाभ मिलेगा। कर्क के बाद सिंह राशि में चलते हैं, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान मिलेगा, थोड़ा शरीर का ध्यान रखें, शरीर में कहीं आदि व्याधि हो सकती है, उस व्याधि को रोकने के लिए भगवान शंकर जी का ध्यान करें, जिससे रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाहाशतां प्रियं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कम से कम पंजाब से मंत्र 11 बार भगवान का स्मरण करें, आपके कष्टों का निवारण होगा। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, अनेक प्रकार के नुकसान आपके सामने खड़े हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पड़ेगी, व्यवधान पड़ेगा और असहयोग की संभावना बनी रहेगी। लाभ मिलने की पूर्ण यानी आपकी इच्छा तो है कितना लाभ हो जाएगा लेकिन मिल नहीं पाए, मन कुंठित होगा, कई बार परेशानी उत्पन्न होगी, अपनों से असहयोग मिलेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक कारोबार कीजिए, ध्यान पूर्वक नौकरी में भी ध्यान दीजिए, कहीं किसी ने बात कर ली तो आपकी बैकबाइटिंग हो सकती है, कोई आपका विचार गलत बता सकता है, इसलिए
ध्यान पूर्वक रहिए, वाणी पर संयम रखें, लाभ मिले। धन ऐश्वर्य की वृद्धि तो होगी लेकिन कष्ट भी साथ साथ में होगा। ऐसे समय में क्या करना है? ऐसे समय यदि आपने करना है तो भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम ही हंस घृणी सूर्याय मह, या तांबे के लोटे में जल लेकर के थोड़े चावल डालिए, थोड़ा सिंदूर डालिए, ओम सूर्याय नमः बोल करके सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल जो है संचित कीजिए। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, संबंध प्रतिवेशी तो रहेंगे, लेकिन ध्यान देना चोट वाहन इत्यादि का चोट लगने की संभावना, कष्ट हो सकता है। आपने करना क्या है? हनुमान जी का ध्यान कीजिए, भगवान महाबली आपके इन कष्टों का निवारण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं पा गया। इस समय गुरु ऐसे भाव में बैठा है कि जो बनते बनते कार्यों में भी रुकावट पड़ जाएगी। पीला दान करें माना वीरवार, और प्रतिदिन भी एक सप्ताह के अंतर्गत पीला दान करोगे, कुछ नहीं तो रोटी पे थोड़ा सा हल्दी लगा के गौ माता को खिलाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धन के बाद चलते मकर राशि वालों के साथ में, मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और नए कार्य बनाने की चेष्टा आपके मन में बनी हुई है, आप कर सकते हैं उस कार्य को, लाभ मिलेगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के साथ चलते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं पा गया। मानसिक तनाव रहेगा, परिवार में कलह रहेगा, किसी से झगड़ा हो सकता है, इसलिए सचेत होकर के धन किसी को दोगे तो रुक जाएगा, मिलेगा नहीं, कष्ट होगा, इसलिए सोच समझ करके धन दें। व्यवसाय में हो तो रुका रहेगा धन आपका, इसलिए थोड़ा सा सोच करके विचार विमर्श करके कार्य करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है? सप्ताह के अंतर्गत गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा के द्वारा आपके मनोकामनाएं पूरी। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, मनोकामनाएं पूर्ण रहेंगी, अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा मां। इसलिए इस राशि के अंतर्गत सभी राशियों ने क्या करना है, यदि आप करना चाहो तो इस समय वनस्पति को लगाइए, किसी वृद्धजन की सेवा कीजिए, गौशाला में, विद्यालय में, अंध विद्यालय में, अपंग आश्रम में दान पुण्य धर्म कर्म कर कीजिए, भगवान की कृपा से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। इस सप्ताह के अंतर्गत अगर आपने लाभ लेना है तो अपने बड़ों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये पितृपक्ष आपके लिए शुभदायक है और शुरुआत हो रही है पितृपक्षों की, पितृ आपके घर पर आ रहे हैं, तो आप उन सप्ताह के अंतर्गत ये पक्ष होता है 15 दिन का, इस पक्ष में पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों को यथाशक्ति जो आप देना चाहते हो दान पुण्य धर्म कर्म कीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण, क्योंकि पितरों का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना। आइए पितृ परमेश्वर का ध्यान करते हुए इस पक्ष में पदार्पण करें और नई विचारधारा के साथ में चलें, जिसमें शुभ मंगलमय हो, आनंदमय। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।